गाइस, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो जैसे कि आपने देखा, मेरी और शोएब दोनों की चाय बन रही है। रात के बज रहे हैं कितने, 1:15 बज रहे हैं रात के, और हम दोनों को मन कर रहा है चाय पीने का। ऐसे होता है, पता है, कल मैंने आप लोगों के सामने बोला कि मैं एक चाय एक्स्ट्रा पी रही हूँ, तो कहीं ना वो रोज़ आदत ही पड़ जाती है। नहीं, पर मैं बस आज पी रही हूँ, मैं कल से नहीं पीऊँगी, आई प्रॉमिस। और मैं सो गई थी एक्चुअली, इसलिए मैं थोड़ी ऐसे नींद नींद में लग रही हूँ। वैसे मैं नॉर्मली, मेरा रूटीन क्या होता है कि हम इफ्तार करते हैं, उसके बाद मैं डिनर करती हूँ। मैं थोड़ी देर लेट डिनर करती हूँ, शोएब इफ्तार के साथ ही डिनर कर देते हैं। मैं थोड़ी लेट करती हूँ, फिर थोड़ी देर वॉक पे जाती हूँ, और फिर आती हूँ, फिर मैं सोती हूँ, फिर शोएब मुझे 3 बजे उठाते हैं, फिर सहरी बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने सब गड़बड़ किया। हमने इफ्तार किया, फिर मैं आई, मैंने 10 बजे के आसपास खाना खाया, और मैं तुरंत सो गई क्योंकि पता नहीं क्यों बड़ी नींद आ रही थी। और फिर अभी मैं जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि कल हमारा शूट है, तो उसके लिए थोड़ी तैयारी करनी है, थोड़ी पैकिंग करनी है। तो फिर ऐसे सो के उठी तो थोड़ा जगना तो चाय तो बनती है ना, है ना, है ना, है। चलिए इन्हें जवाब देते हैं। पैकिंग क्या करनी है वहाँ पे, आपको इफ्तार करनी है, उसकी प्रॉपर अच्छी पैकिंग। हमारे लिए हम इतनी सारी चीज़ें लेके जाते हैं, उसकी पैकिंग आपको तो पता है, आपकी बीवी घर लेके चलती है साथ में। ट्रिप्स याद दिलाऊं, बहुत दिनों से गए नहीं ना ट्रिप, अब ले जाना पड़ेगा। चलो, अभी था वो, मैंने पोस्टपोन करा दिया। वो तो मैं थोड़ी जा रही थी, वो तो आप अकेले जा रहे थे। तो चलता ना लेकिन। नहीं, मैं नहीं जाती ना, अब तो मेरी कोई और प्लानिंग है। सही बनी है। So, कल है शूट, और मैंने सोचा कि शूट पे जाने से पहले थोड़ा खुद की भी स्किन को पैम्पर कर लिया जाए, थोड़ा और ग्लो ग्लो लाया जाए, है ना। तो इसीलिए मैं आज यूज कर रही हूँ मदर स्पर्श का ये रोज एंड बीट रूट फेशियल किट फॉर डल एंड अनइवन स्किन टोन। आजकल बाहर इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है, एंड साथ ही साथ इतना एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है, और हम लोगों की लाइफस्टाइल इतनी ज्यादा हेक्टिक होती है कि अनइवन स्किन टोन एंड डलनेस आई थिंक हम सबका एक प्रॉब्लम होता है। और उसका ख्याल रखने के लिए मदर स्पर्श ने ये किट इंट्रोड्यूस किया है। सो इस किट में है फेस वॉश, सबसे पहले आप इससे अपना फेस धोएंगे, और फिर है इसमें रोज एंड बीटरूट का फेस उपटन, ये है फेस ऑयल, और ये है इनका लिप बाम, और ये प्रिटी से पाउच में एक साथ आपको सब कुछ मिलता है। चलिए, मैंने अब फेस वॉश तो यूज कर लिया है, अब टाइम है उपटन यूज करने का। सो ये रहा हमारा उपटन, ये बनाया गया है एक ब्लेंड से, कई सारे हर्ब्स, फ्लावर्स एंड ड्राई फ्रूट्स मिलाकर, जैसे कि क्रश रोज पेटल, बीट रूट, मौसम्बी, काजू, बादाम और तुलसी। और आप ध्यान से देखें तो ये सारे क्रश्ड हर्ब्स आप यहाँ पे देख पाएंगे। मैं यहाँ कच्चा दूध मिक्स कर रही हूँ क्योंकि हेल्दी स्किन के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, लेकिन आप चाहें तो पानी मिक्स करके अपनी डिज़ायर्ड थिकनेस का पेस्ट बना सकते हैं। ये देखिए, ये एक थिक सा हमारा उपटन रेडी हो गया है, और पता है इसकी फ्रेग्रेंस में भी आप पूरी फ्रेशनेस जो है फील कर सकते हैं। आपको पता है बीटरूट तो वैसे भी ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट कई बार बोलते हैं अपने डाइट में बीटरूट इन द फॉर्म ऑफ जूस या सैलड में बीटरूट के पीसेस ये सब जरूर ऐड करें। बीटरूट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी, विटामिन सी, फॉलेट, मैंगनीज, पोटेशियम, आयरन, और ये सभी चीजें आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इस पेस्ट को हम अच्छी तरह से इवनली पूरे स्किन पे लगाएंगे, उसे 10 टू 15 मिनट्स रहने देंगे ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए, और फिर उसको हम वॉश कर लेंगे। डन। सो धो लिया है मैंने अपना फेस, और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश, ग्लोइंग और हेल्दी स्किन लग रही है। आई एम श्योर आपको भी समझ में आ रहा होगा। और अब मैं लगाऊंगी ये फेस ऑयल। सो ये एक बहुत ही लाइट वेट और हाइड्रेटिंग ऑयल है। ये बनाया गया है स्किन ब्राइटनिंग रोज, केसर, बीटरूट ऑयल से, जो कि आपकी स्किन को ब्राइट और इवन टोन करते हैं। उपटन और फेस ऑयल के रेगुलर एप्लीकेशन से आपके फेस की डलनेस और अनइवन स्किन रिड्यूस हो जाएगी। सो गाइस, मुझे मेरा फेस एकदम सॉफ्ट, हेल्दी और ग्लोइंग फील हो रहा है। सो आप भी ये किट जरूर ट्राई करें। मदर स्पर्श की वेबसाइट पे इनकी सेल चल रही है, और अगर आप कोड किट 20 यानी कि KIT20 यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 20% ऑफ मिलेगा इन एडिशन टू द डिस्काउंट्स दैट आर रनिंग ऑलरेडी। जल्दी से ट्राई इट आउट फॉर अ हेल्दी ग्लोइंग स्किन।
मदर स्पर्श की इस न्यूली लॉन्च्ड रेंज को अभी प्री ऑर्डर करें डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से और पाएं फ्री एक्साइटिंग गिफ्ट। हाँ जी, सुबह के 6:30 बज गए हैं, बस 1 घंटे में जल्दी से रेडी होके निकलना है। इस मौसम की सबसे प्यारी चीज़ मुझे ये लगती है, ये पेड़ कितने खूबसूरत लगते हैं फूलों के साथ ना। सो बस निकल गए हम लोग शूट के लिए। आज जनाब ड्राइव कर रहे हैं क्योंकि उनका मन कर रहा था, और पीछे ये देखो अंकित शॉट्स लेने में लगा है, अभिषेक नैप ले रहा है और अब्दुल भाई बीच में बैठे और मैं ये आगे। पहुँच गए हम शूट पे, सो लेट्स बिगिन। तो आज है हमारा शूट डे और बहुत दिनों बाद हम लोग साथ में शूट कर रहे हैं, और ये मुझे केतन ने याद दिलाया कि लास्ट ईयर भी इसी डेट पे किधर थे हम? आगरा। ओके, तो इस डेट पे हम साथ थे, हम लोग आगरा में थे। दीदी भी थी, दीदी तो परमानेंट वहीं थी। हम लोगों का आना जाना चल रहा था, आप लोगों को याद होगा। प्रोमो शूट है दिल से कनेक्शन विद शोई का, जो बहुत ही जल्द आने वाला है। सो हम सब बहुत एक्साइटेड और उससे भी ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज हम सब लोग एक साथ हैं और एक साथ इफ्तार करेंगे। ऑब्वियसली हम तीनों इतने दिनों के बाद मिले तो मेकअप हेयर चलता है, उसके साथ साथ चलती है हमारी खूब सारी मस्ती मजाक और गॉसिप, इसका भी अपना ही मजा है। आई लव माई टीम। ये करवाने में मुझे आज भी डर लगता है, इतने साल हो गए हैं फिर भी मुझे इससे डर लगता है। तो मेकअप हो गया हमारा डन और बाल भी हम ऐसे ही रखने वाले हैं क्योंकि बहुत ही नेचुरल लुक है, हम जैसे हैं वैसा ही लुक है। सो बस अभी, और ये जनाब का फोटो सेशन शुरू हो गया है यहाँ पे। चलो चलो मुझे चेंज करना है। रेडी फॉर फर्स्ट शॉट और फिर शुरू हो गया हमारा शूट। ऑब्वियसली हम क्या शूट कर रहे थे वो तो हम आपको अभी नहीं दिखा सकते, लेकिन ये शॉट मैं मेनली पता है क्यों दिखा रही हूँ, ये देखो ये तीनों, ये अंकित को आवाज़ सी आई, बहुत थका हुआ था, और ये तीनों की कुछ ना कुछ खिचड़ी पके की उधर कोने में, मुझे बड़े क्यूट लग रहे थे इसलिए मैंने बोला ये क्लिप तो मैं ज़रूर डालूंगी, है ना। नहीं मैं अपनी वैन में हूँ, ये ऊपर इतना क्यूट सा इसका रूफ है ना। तो शाम के हो गए 4:30 और हमारे कुछ 6 चेंजेस हो गए हैं, ऑलमोस्ट सारा शूट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे हम बैठे थे, ये देखो ये लड़का पार्टी पूरी यहाँ बैठी है और ये यहाँ बैठे हैं। सो अभी बस लास्ट शॉट ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, उसके बाद फोटो शूट है तो हम उसके लिए जा रहे हैं। और मैंने दिन भर कुछ शूट नहीं किया क्योंकि ये जनाब शूट कर रहे थे और इनकी फुल मस्ती चालू थी। आज ने हम सब पे इन्होंने एक बहुत ही अजीबोगरीब प्रैंक किया है जो आप इनके व्लॉग में देखेंगे, और सबसे ज्यादा शाहिद दीदी ने एक तरीके से प्लानिंग करके किया है नहीं। सो चलिए अभी चलते हैं शॉट देके आते हैं फिर। सो शूट हो गया है कंप्लीट, प्रोमो शूट कंप्लीट हो गया है, अभी फोटो शूट बाकी है तो उसकी कॉस्ट्यूम आनी है, इसकी हम वेट कर रहे हैं। और यहाँ आ चुकी है इफ्तारी, धर्म दादा जाके सब कुछ ले आए हैं अब्दुल भाई के साथ। क्या क्या लाए हो? बहुत कुछ है। तो जब हम मतलब, तो ये इन वन लाइन था कि जब खोलूंगा तब देख लेना, बहुत कुछ है। तो ठीक है, अभी है, अभी 6 बज रहे हैं, आई थिंक 15 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे, 15 मिनट बाद हम तैयारी शुरू करेंगे। शोएब और मैं शॉट में बिजी थे इसीलिए मैंने बोला आप लोग इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दो, तो यहाँ अब्दुल भाई, शाहिन दीदी, धर्म दादा, अभिषेक और एक और उनके दादा थे, वो सब मिलके जो है इफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। और ये शुरू हमारा फेवरेट शरबत, ये रेसिपी एक्चुअली हमने इन्वेंट की थी जब हम SSK कर रहे थे। धर्म दादा दूध में अब क्या मिक्स करना है? आइसक्रीम डाल दो, रूअफज़ा का पैकेट होगा। शक्कर नहीं चाहिए, रूअफज़ा ला रहा। आइसक्रीम में डालना है ना अभी। तो ये इन्होंने डाला फलूदा, जो वैसे हम कम डालते हैं, धर्म दादा ले आए थे तो डाल दिया, और ये डाला है आइसक्रीम। यस, आप कभी भी अपने शरबत में कोई आइसक्रीम डाल के आजमाइएगा, बहुत यमी लगता है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था ना कि इफ्तार की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि सब लोग एक साथ मिलके खाते हैं, तो वैसे ही इफ्तार की टेबल पे हमेशा बहुत रौनक रहती है, और जब इतनी बड़ी टेबल लग रही हो पूरी यूनिट के लिए तो उसका तो मज़ा ही, मतलब क्या बोलूँ मैं। और ये हमारे भजिए पकौड़े, ये तो असली चीज़ होती है जो वैसे हम रोज़ाना नहीं खाते। और ये हमारा शरबत रेडी हो गया, इसमें बस ऊपर से डाली जा रही है आइस, यम्मी।
ये कुछ डिफरेंट टाइप के और भजी। अच्छा तो ये अनियन है और वो कुछ दाल वगैरह के थे, इसीलिए उस वक्त जब मैंने धर्म दादा से पूछा तो उन्होंने बोला बहुत कुछ लाया हूँ कि इतनी लंबी लिस्ट में मुझे कहाँ बताते। और ये हमारा टेबल ऑलमोस्ट रेडी। वाह क्या बात है। बस धर्म दादा आधा डाल दिया। यहाँ तक तो सब ठीक था, यहाँ ये धर्म दादा ने करवा दी गड़बड़। ये उन्होंने डाल दिए अनार पता नहीं क्यों, और इसके लिए जब इफ्तार में सबने शरबत पिया सबके मुंह से यही निकला अनार क्यों डाल दिया इसमें। बेचारे धर्म दादा, उन्होंने तो अच्छा सोच के ही डाला होगा। ये बन गया बस अब ऊपर से खजूर डाल के इसे और सजा दिया जाए। खजूर तो आप पहचान ही गए होंगे, ये वही वाले जो मैं फूड मॉल से लेके आई थी। देखिए मैं घर से ले आई, मैंने सोचा सब लोग एकदम मस्त वाले खजूर खाएं, सही बात है ना। शरबत बना कहाँ है आराम से? कुछ याद आया? करते हुए ना, ये स्पेशली ये शरबत सर्व करते हुए, इफ्तार करते हुए हमेशा SSK के सेट की याद आती है, स्पेशली अगर शूट पे हो तो, क्योंकि 6 साल हमने वहाँ पे 6 रमज़ान में बहुत अच्छे से हम लोग रोज़ इफ्तार किया करते थे पूरी यूनिट एक साथ मिल के। और हम जब रमज़ान शुरू होता था तो जो हमारे डायरेक्टर हैं हाँ वो ब्रेक उसी वक्त पे करते थे, शाम की नाश्ते की ब्रेक होती है, और सब सबको पूरी यूनिट को वेट होता था इसका शरबत। तो इससे वहाँ की यादें ताज़ा होता है। हो गया है पैकअप इफ्तार के बाद, एक्चुअली बहुत छोटा सा फोटोशूट बचा था वो भी हो गया, पैकअप हो गया है, यहाँ हम सबका सामान भी रेडी हो गया है, और अब हम सब चलते हैं अपने अपने घर। अच्छा तो हम चलते आप तो साथ में। यस और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमें हर साल एटलीस्ट एक इफ्तार तो मिल ही जाता है साथ में करने के लिए, नहीं केतन? केतन अपना फेवरेट समोसा लेके साइड हो जाता है, एक समोसा उठाता है और वो साइड में हो जाता है, तो बहुत मजा आया। मुझे आपको देख के ना वो स्कूल के बच्चों की याद आ रही है जिनको देख के बहुत ऐसा लगता है कि अरे उनसे बड़ा उनका स्कूल बैग है ये, मतलब कैसे संभल के जाना। और ये थी सबकी हालत वापसी में, सब लोग इतना थक गए थे, देखो तीनों के बेचारे कितने प्यार से सो रहे हैं। और यहाँ अब्दुल भाई गाड़ी चला रहे थे और मैं भी सो गई थी, मेरी आँख खुली और मैंने पीछे देखा तो ये लोग इतने क्यूटली सो रहे थे, बहुत थक गए थे सच में। हो गया है अगला दिन, एक्चुअली अगली शाम हम लोग, ये देखिए यहाँ शोर बैठे पीछे, क्या कर रहे हो? IPL ऐसे खेल रहे हो? हाँ सो हम लोग बहुत थक गए थे कल, बहुत ज़्यादा थक गए थे, मैं तो आते ही नहा के सो गई, बिल्कुल एनर्जी नहीं थी कुछ भी करने की। शोएब जगे थे, खैर यही चीज़ आपने शोएब के ब्लॉग में भी यही डिस्कशन सुना। सो एनीवेज अभी उठ गई हूँ आज और अभी कर रही हूँ इफ्तारी की तैयारी, कल की इफ्तारी बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी थी, आज फिर से घर पर करेंगे सबके साथ। ये काशी पूछने आ गया। हाँ सो मैं आज बना रही हूँ चिकन कटलेट्स, और ऐसे जो शोएब भी खा पाए, क्योंकि देखिए कल तो इन्होंने जी भर के खा लिया, सुबह जो सहरी थी वो भी पराठे की थी, और फिर शाम को भी शरबत वगैरह सब। एक्चुअली शोएब का क्या है, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करते हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरी हो वहाँ अपना ख्याल भी रखते हैं, बॉडी का भी ख्याल रखते हैं, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ता है। जैसे कल पूरा दिन रोजे में शूट कर रहे थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो डिहाइड्रेट भी हुए थे, तो इसलिए कल एक्चुअली ज़रूरी था कि वो सब शोएब थोड़ा अपने मन का भी खा लें और वो ठंडी चीज़ें सब बॉडी में जाएँ, वो ज़रूरी भी था। सो फ्रॉम टुडे बैक ऑन ट्रैक। सो मैं बना रही हूँ चिकन कटलेट्स, जिसमें मैं थोड़ी सी पालक डालूंगी, जो एक्चुअली मैं देखा जाएगा थोड़ी कबाब स्टाइल में बना रही हूँ, कटलेट बोलेंगे या कबाब या आप डिसाइड कर लीजिएगा। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम्स ऑफ बोनलेस चिकन लिया है, इसे मैंने छोटे क्यूब्स में काट लिया है और अच्छे से धो लिया है। और इसके बाद ये है 2 मीडियम साइज के प्याज,
जिन्हें मैंने स्लाइस करके अच्छे से फ्राई कर लिया है, तो ये क्रिस्प हो गए हैं। और ये पालक है, ये मैं यहाँ तक कैसे लेके आई हूँ ये आप अब पहले वीडियो में जाके देखिए। ओके, सो एक पतीले मैंने ले लिया पानी, इसमें डालूंगी नमक और इसे बॉईल होने दूंगी। एक बार पानी बॉईल होने लग गया उसके बाद इसमें पालक के पत्ते डाल देंगे एंड बस मुश्किल से 20 सेकेंड्स टू हाफ अ मिनट, जब तक ये इस तरह से पालक के पत्ते जो है फ्रेश ग्रीन हो जाए। उसके बाद पालक को स्ट्रेन कर लिया, अच्छे से सारा पानी जो है निकाल दिया एंड दैट्स हाउ वी हैव ओनली दिस मच। सो इसको हम जब मिक्स करेंगे तो अच्छे से छोटा छोटा चॉप करके मिक्स करेंगे। फिर मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये है नमक, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे हम और थोड़ा सा गरम मसाला। That's it, very simple. So चलिए start करते हैं। सबसे पहले हम सब कुछ इसमें एक साथ चर्न कर लेंगे। तो यहाँ मैं डालूंगी चिकन के पीसेस, फ्राइड अनियन, इनसे जो फ्लेवर आता है ना वाह, बहुत ही अमेजिंग लगता है। जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये करीब 1.5 टीस्पून, आप चाहे तो बढ़ा सकते हैं अगर आपको ज्यादा पसंद हो तो। नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, अगेन मैं ज्यादा स्पाइसी पसंद नहीं करती, अगर आप पसंद करते हैं तो आप या तो नॉर्मल लाल मिर्च डाल दीजिएगा या आप बारीक काट के हरी मिर्च भी डाल सकते हैं जो एकदम तीखी वाली होती है ना वो। लाल मिर्च और अब मैं डालूंगी थोड़ा सा गरम मसाला। That's it, सब कुछ मैंने डाल दिया है, अब इसे हम अच्छे से जो है चर्न कर लेंगे। यहाँ बाहर तक खुशबू आ रही है, बहुत अमेजिंग। ये हो गया है चर्न, मैं इसे निकाल लेती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और ये जो पूरा है ये हम इसमें एम्प्टी कर लेंगे। मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत आदत है, आप लोग जब भी फूड प्रोसेसर का ब्लेंडर इस तरीके से खाली करें तो बहुत ध्यान रखें, इनफैक्ट हर ब्लेंडर ये जो ब्लेड्स होते हैं इस पे हाथ ना लगे, जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। मैं भी ध्यान रखती हूँ वैसे, सुपर वूमन नहीं हूँ। सो बस ये बहुत अच्छे से जो है हमारा देखिए एकदम प्रॉपर पेस्ट हो गया है। अब ये जो ऑयल मैंने इसमें डाला है इसको इसमें अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और अब इसे एटलीस्ट हाफ एन आवर जो है मैं कवर करके फ्रिज में रख दूंगी ताकि इसके फ्लेवर्स जो है वो सारे घुल जाएं और उसके बाद इसको बाहर निकाल के हम आगे करेंगे। अगर आपके पास और ज़्यादा वक्त है तो आप इसे ओवरनाइट या 4-5 घंटे जितने द मोर द बेटर, बट अभी मुझे बनानी है तारी, मेरे पास हाँ हाफ एन आवर तो है, इनफैक्ट 1 आवर भी है, मैं 1 घंटे के लिए भी रख सकती हूँ। 6 बजे इसको निकालूंगी फिर गर्मा गर्म कबाब ट्राई करूँगी। सो हो गए हैं 6:20 और मैंने इसे जितना हो सके उतना मैक्सिमम टाइम फ्रिज में रखा। अब ये देखिए हमारा जो बैटर है एकदम अच्छे से सारे फ्लेवर्स मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे पालक। पालक को लास्ट पॉइंट पे डालने का सबसे बड़ा रीजन है इसके अंदर जो पानी थोड़ा सा रह जाता है, बिकॉज पालक अपने आप में एक बहुत ही वॉटरी वेजिटेबल है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो बैटर है वो गीला हो जाएगा। वैसे आप इसमें बेसन या कॉर्नफ्लावर ऐड करके इसे ठीक कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं डालना चाह रही हूँ, आई जस्ट वॉन्टेड ओनली चिकन एंड पालक सो दैट इट्स जस्ट प्रोटीन, इसलिए मैं और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना चाह रही हूँ। सो जल्दी से डालते हैं इसमें पालक, फिर इसको मिक्स करते हैं और इसके कटलेट्स बना के फ्राई करते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसे हम मिक्स कर लेंगे। अब ये कटोरी में मैंने थोड़ा ऑयल ले लिया है, ऑयल आप थोड़ा पाम पे लगाइए जैसे हम हमेशा करते हैं जब हम कबाब या कुछ बना रहे होते हैं, और इसको हम आपको जितना अपना डिजायर थिकनेस शेप जो भी चाहिए उस हिसाब से आप इसे फॉर्म करके, डीप फ्राई तो नहीं करेंगे हम इसे, ये देखिए इस तरह से ये मैंने बना ली है एक टिक्की टाइप, और बस मैं इसे ये ऑयल गरम है इसमें डाल दूंगी।
अब देखिए ये एक साइड से कुक हो गया है, तो अब इसे हम पलट देंगे और हल्का हल्का सा इसे प्रेस भी करते रहेंगे साथ साथ में, ताकि ये इवनली कुक होता रहे। फ्लेम को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करते रहिएगा, ताकि किसी भी पॉइंट पे ये ओवरहीट ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्म हो गए बाहर से पक जाएंगे लेकिन अंदर जो है चिकन कच्चा रह जाएगा, वो हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते, तो इसीलिए हम इसे टाइम टाइम पे पलटते रहेंगे। टाइम टू टर्न अगेन, आप देख सकते हैं एक बहुत ही प्यारा सा डार्क ब्राउन हमको इस पे कलर दिखाई दे रहा है, एंड नाउ इट्स रेडी। तो ये हम निकाल लेंगे टिश्यू पे। ये देखिए फर्स्ट लॉट ऑफ दीज कबाब्स ही एक्चुअली रेडी, और ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से, हाँ बहुत गर्म है, फ्राई हुए दोनों साइड से। सो यस, चलिए अब मैं और फ्राई करती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ऑलरेडी जल्दी से इसको हम प्लेट करते हैं, हो सके तो थोड़े अच्छे वे में प्लेट करते हैं, और फिर हम लेके जाते हैं इसे नीचे। देखिए क्या होता है ना, जब टाइम मिल जाता है तो लगता है कि थोड़ी कारीगरी कर लो, है ना, तो मैं वही करती हूँ। Just trying to make my plate look a little more beautiful. I know perfect नहीं है, पर कोई बात नहीं, करते करते धीरे धीरे आ ही जाएगा। और फिर ये रखा थोड़ा सा लाइम और थोड़ा सा हरा धनिया। I hope it's looking nice. चलो, so ready है, अब मैं जाती हूँ नीचे, क्योंकि इफ्तार का वक्त हो चुका है, हम सब बैठ के इफ्तार करेंगे एक साथ। और इसी नोट पे मैं यहाँ पे ये व्लॉग एंड कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये व्लॉग कितना लंबा हो गया है। सो प्लीज़ ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, ट्रस्ट में खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और अगर आज का आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, जिसमें हमने पता नहीं कहाँ से शुरुआत की है और कहाँ पहुँचे, सो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दीपिका की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत जल्द मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। लव यू ऑल।